ये मेन एंट्री पॉइंट है हमारे लिए, दिखा देंगे कुछ ना सही से कुछ अच्छा होता है दोस्तों। वीडियो में बने रहे साथ में, वीडियो में बने रहे साथ में, अभी आपको बहुत कुछ दिखाना बाकी है। यहाँ पे देख के आप तो ऐसा लग रहा है जैसे बीयर ग्रिल्स बने जा रहे हैं पूरे। मकान बना के रहते थे और आज के जमाने में लोग सिर्फ अपने घमंड में और एक दूसरे से जलने में ही समय व्यतीत कर देते हैं। और प्रियांशु कैसा लग रहा है यहाँ पे आके, लोगों से कुछ कहना चाहोगे? चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज्यादा से ज्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें। हेलो गाइस, टूट चुका है ना? हाँ, डिस्ट्रॉय हो गया है। समय रहते रहते इंसान नष्ट हो जाते हैं। ये तो फिर एक किला है पुराने जमाने का। किला में रहने वाले लोग जब नहीं बचे तो किला कैसे बचेगा? Who is this? Wow, ये देखो। रहती हुई है। आराम से यहाँ पे देख के आना, आप तो ऐसा लग रहा है जैसे बीयर ग्रिल्स बने जा रहे हैं पूरे। गाड़ी में लॉक लगाया है? हाँ। किला पूरा नष्ट हो चुका है ना, किला में तो कुछ भी नहीं बचा दिखाने के लिए, लेकिन फिर भी टूटी हुई दीवारें ही आपको दिखा देंगे। कुछ ना सही से कुछ अच्छा होता है दोस्तों। वीडियो में बने रहे साथ में, वीडियो में बने रहें साथ में, अभी आपको बहुत कुछ दिखाना बाकी है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। आप देख सकते हैं किस प्रकार से उस टाइम पे ये चूना को मिलाकर ये दीवारें और ये मठ बनाया हो गया होगा। लोगों में उस टाइम भी बहुत ही कारीगरी आती थी, ये नहीं कि पुराने जमाने के लोग थे, लेकिन आज के जमाने के लोग उस प्रकार की कारीगरी नहीं कर पाएंगे। आप देख सकते हैं ये दीवारें समय रहते रहते ख़त्म होती जा रही हैं, लेकिन ये अपना इतिहास पूरा बता रही हैं कि हाँ, ये सैकड़ों सालें पार किए हैं इन दीवारों ने। ये जो मठ आप देख रहे हैं, किस प्रकार से ईंटें लगा के ये मठ बनाया गया होगा उस टाइम पे, कितना समय लगा होगा इस कारीगरी को दिखाने के लिए। अच्छा, अब इधर जा रहे हैं, ये किला के अंदर ही ऊंचे पे, सोचो ये हम लोग जहाँ पे हैं किला पे, ये एक टीला पे है और टीला पे ये एक कुआं है। ये कुआं में उस टाइम पे पानी होता था, अभी है कि नहीं है अभी देख लेते हैं, पता चल जाएगा। मेरे ख्याल से तो होगा नहीं वैसे। ये तकरीबन 60 फुट गहरा कुआं होगा, इसीलिए इसे साठिया कुआं बोलते थे। कबूतर, अब तो कबूतरों का वास हो गया है इसमें, हालांकि पानी बिल्कुल नहीं बचा है, लेकिन उस टाइम पे इस कुएं में पानी होगा। आप देख सकते हैं ये पूरा नज़ारा जो हमने मंदिर से देखा था, अभी उस मंदिर पे हम लोग गए थे, भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए, और उसी के बगल में लगा हुआ ये कुआं है। यहाँ पे उस टाइम पे राजा महाराजा रानी साहिबा सभी लोग रहती होंगी, और आज के टाइम पे ये पूरा जंगल हो गया है।
कुछ नहीं बचा यहाँ पे। आप देख सकते हैं दीवारें किले की, ये जानबूझकर मेरे ख्याल से गिराई गई हैं या गिर गई हैं, मुझे तो लग रहा है ये अपने आप ही गिर रही हैं। धीरे धीरे समय रहते हुए चूने की मियाद ख़त्म होती जा रही है, जिस चूने से ये मिट्टी जोड़ी गई हैं। और आगे वो लखू बंदर, महादेव, आओ नाना, आइए, हमें यहाँ पर बजरंगबली के दर्शन भी हो गए हैं, आइए आओ। नाना पर वो छोड़ा नहीं है रहे। ना, ये सीधे, ये बंदर बहुत सीधे प्रजाति के होते हैं, बड़े आराम से बातचीत करते हैं, मतलब मिलते जुलते हैं लोगों इंसानों से। आ चल भाई नीचे तो मिलवा चल ना घूमन, एक जगह और है बड़ी, बंदर अंदर ना गाओ भैया, महादेव है वो जावे के बाद। तो एक तरह से दोस्तों पूरा कुछ नहीं करिए यार, घबराओ नहीं, कुछ नहीं करिए। किला तो दोस्तों एक तरह से पूरा खत्म हो चुका है, यहाँ कुछ भी नहीं बचा है, बस ये एक यहाँ भरे गांव के लोगों के लिए एक, और यहाँ पे आने वाले लोगों के लिए एक दर्शन का केंद्र बना हुआ था उस कुछ टाइम पहले तक के लिए, लेकिन अब धीरे धीरे समय रहते ही इसकी दीवारें ढहती जा रही हैं। और दोस्तों अब एक गुफा दिखाने जा रहे हैं, इस किले में जो गुफा होती थी जिसका प्रयोग राजा महाराजा रानियाँ करती थी आने जाने के लिए, अभी चल रहे हैं यहाँ पे। चलो आराम से आना, सीढ़ियाँ खराब है पूरी। तो ये एक सीक्रेट एग्जिट होता था मेरे ख्याल से, जहाँ से हमले के वक्त शायद रानी महारानी और राजा वगैरह आसानी से निकल सकते थे यहाँ से। देख सकते हैं आप, ये सीक्रेट एग्जिट है, सीधा किला के बाहर ले जाता है हम लोगों को, किले के बाहर ले जाता है। अब यहाँ इतनी ऊंचाई, उस टाइम पे सीढ़ियाँ होती होंगी, लेकिन यहाँ आके काफ़ी अच्छा लग रहा है, अपनी पुरानी विरासत कर देखने में अच्छा लगता है, काफ़ी थोड़ा प्राउड फील होता है कि उस टाइम पे भी लोग इतने अच्छे अच्छे मकान बना के रहते थे, और आज के ज़माने में लोग सिर्फ अपने घमंड में और एक दूसरे से जलने में ही समय व्यतीत कर देते हैं। और ये मेन एंट्री पॉइंट हो गया हमारे ख्याल से है।